आओ पढ़ाई करें। हेलो फ्रेंड्स, आओ पढ़ाई करें चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 11 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सीखने जा रहे हैं। मतलब इस तरह की इक्वेशन का आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 6x + 3 = 4x + 11, इस तरह की इक्वेशन का आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका 6x, जैसे x की वैल्यू अपने पास जिस जिस जगह x है उसको एक साइड ले लेंगे अपन इक्वल टू के, और जिस जगह हमें कॉन्स्टेंट है उसको एक जगह ले लेंगे हम। देखो इस तरह से 6x है इधर, प्लस 3 इधर, 4x है। देखो x की टर्म है और x की टर्म है, ये दो अपने पास x की टर्म है, 6x और 4x। तो इस 4x को हम कहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ लेके आ जाएंगे 4x को हम। 4x तो जैसे हम यहाँ लेके आएंगे, इसके आगे प्लस का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। ये अपने पास 11 एज इट इज़ है, प्लस का है, तो अपने इधर साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्लस का है। प्लस का 11 हो गया, 3 इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस का 3 हो गया। वो अपने पास नेगेटिव प्लस था, अगर प्लस से वो किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। इक्वल टू के आर पार कभी अपन भेजते हैं किसी नंबर को तो उसके साइन आगे के बदल जाते हैं। तो ये अपने पास हो गया, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 2। 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2। x में से x मतलब x x है तो x ही होगा इसके अंदर, क्या होगा, x लगेगा। 11 में से 3 गए तो कितने बचे, 8 बचे। मतलब x का जो है माइनस करेंगे अपन, मतलब 6x थे अपने पास, उसमें 4x चले गए। 6x थे मतलब 6 चॉकलेट में से अपने पास 4 चॉकलेट चली गई, तो बची कितनी, 2 चॉकलेट। तो ये चॉकलेट जो है, ये चॉकलेट वर्ड क्या हो गया, x आ गया अपने पास, ये x है अपने पास। 2 अपने पास इधर से कहाँ चला गया, डिवाइड में, कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में, इसके साथ किस में, मल्टीप्लाई में, ये किसके साथ चला गया, डिवाइड में चला गया, इसमें चला गया, डिवाइड में चला गया। ये इसको डिवाइड किया, 2 में से 8 गया तो कितने बचे, 4। कितने बचे, 4 बचे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई। ऐसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ये इसके अंदर ब्रैकेट है। देखो ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, 3x प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 है, उसके अंदर 4x प्लस 9 जो ब्रैकेट के अंदर खुद ही है, मतलब इसका अंदर नहीं है। तो मतलब इस ब्रैकेट को अपन ऐसे हटा देंगे, तो मतलब इसको अपने ऐसे हटा दिया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा अपने पास, क्योंकि इसके अंदर बाहर कोई टर्म नहीं थी। उसका 3 यहाँ फ़र्क पड़ा, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। तो 3 5 जो कितने हो गए, 3 5 जो 15, तो 3x 3 5 जो 15, प्लस का साइन एज इट इज़, क्योंकि इधर कोई साइन नहीं, 3 5 जो 15। 4x प्लस 9 वैसे ही करेंगे बिल्कुल, अब जैसा अपन ने पहले किया था वैसे ही अपन इसको अब करेंगे वापस से। देखो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 4x है, 4x को यहाँ भेज देंगे, तो क्या हो गया, इधर माइनस का 4x हो गया, इसका हो गया माइनस का हो गया, 15 है इस साइड भेजा, कितने का हो गया, माइनस का। तो फिर अब 15 में से 9 गए तो 6 बचे अपने, 3 में से 4 में से 3 गए तो कितने बचे, 1x। तो 1 इधर शो नहीं किया, 1 की ज़रूरत नहीं है इधर, x शो किया, बड़ा कौन है, 4x, तो माइनस का साइन आया। 15 में से 9 गए, बड़ा कौन है, 15, बड़ा कौन है, 15 में से अपने पास बड़ा कौन है, 15, तो 15 बड़ा है तो किसका साइन आ गया, बड़े का साइन आएगा, हमेशा बड़े का साइन आता है। बड़े का साइन, साइन कितना अपना माइनस है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस आ जाएगा। तो माइनस से माइनस चला गया, कितनी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 6। तो अपन ऐसे इजी क्वेश्चन करते रहेंगे। इधर देखिए, अब ये वाला अपने पास क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा ईजी है। ये देखिए इसके अंदर 3x है, प्लस अपने पास 2 ब्रैकेट के अंदर अपने पास x प्लस 3 इक्वल टू 21 है। तो 3x, उसके बाद अपन ने वापस से 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 क्या इसका है, प्लस का है, तो अपने पास प्लस का x हो गया, और इधर भी प्लस 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 ही होता है, तो 3 2 जा 6 हो गया अपने पास, प्लस और प्लस, प्लस प्लस कितने होता है, प्लस ही होता है, तो प्लस 3 2 जा 6 हो गया अपने पास, 21 अपने पास एज इट इज। उसके बाद अपन ने क्या किया, 5x, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5x, 6 कांस्टेंट था तो 6 को वहाँ भेज दिया, माइनस 21 में 6 गया 15, 15 में 5 डिवाइड किया 3। तो वापस से अपने पास वही मेथड है बिल्कुल, अपने पास ब्रैकेट खोलना है, अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सही रहेगा, अगर आप शुरुआत में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलें, उसके बाद आप अपने आप सीख जाएंगे इसको शॉर्टकट मेथड और शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा हार्ड है, मतलब थोड़ा हार्ड है, तो देखिए कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। देखिए 2x इधर अपने पास, 2x प्लस 9, इस तरह का क्वेश्चन है, अपन ने एलसीएम लिया, 3 2 जो अपने पास कितना गया, एलसीएम देखते हैं कितना आ गया, 6 आ गया। अब x प्लस 1 एज इट इज़, x प्लस 2 एज इट इज़, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। 2 की टर्म में 6 कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो 3 लगा दिया। 3 की टर्म में 6 कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, तो नीचे ऊपर लगा दिया अपन ने 2, प्लस एज इट इज़। आ गई बात समझ में, इधर भी अपन ने ऐसे ही लिया, 7 का एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 5 एज इट इज, क्योंकि 7 के टर्म में 7 कितनी बार जाता है, 1 बार। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो वो का वही आएगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो का वही आता है। इधर देखो 9 7 जो 63 आ गया, एलसीएम हो गया अपने पास,
एलसीएम के बाद अपन क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका। ये देखिए ब्रैकेट ओपन किया अपन ने, 3x + 3 + 2x + 4 ये अपन ने ब्रैकेट कर दिया। मतलब ब्रैकेट ओपन का मतलब है 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो 3 को अपन ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3x, 3, 2x और + 4 ये आ गया अपने पास। इधर 6, 3x - 5 और 6x + 63, 7 ये यहाँ से लेके आ गया। अगेन वापस से अपन ने वो एक लिख दिया, बस 63 ऊपर वही चेंजेस, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद अपन ने 3 और 2 को प्लस कर दिया, 3 और 2 को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। 3 + 2 कितना गया, 5x, 4 + 3 = 7 आ गया अपने पास। 2x एज इट इज 63 में से 5 माइनस किया तो 58 आ गया, वो भी बड़ा कौन है, 63 बड़ा है, इसलिए प्लस का साइन आया है, प्लस का 58 आ गया। 6 और 7 आ गया, ठीक है 7 को इसके पास भेज दिया इधर, 6 को इसके पास भेज दिया इधर। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 6 × 12 = 58, 3 = 48 आ गया। फिर अपन ने इस 12x को यहाँ भेज दिया, 49 को यहाँ भेज दिया, दोनों के साइन बदल गए, इसका प्लस का माइनस बन गया। और इस प्लस का साइन अपने पास किसका बन गया, इसका प्लस का साइन अपने पास माइनस बन गया। 35 में 23 काटा, 13 आ गया। कितना आ गया अपने पास, 13 आ गया इसका आंसर। तो ये अपने पास 13 आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3x + 2, ये देखिए वाला क्वेश्चन। इसके अंदर ब्रैकेट अपने पास नीचे भी है, तो ये नीचे वाला जो ब्रैकेट है इसके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ है, ये इसके साथ है तो कुछ नहीं होगा। मतलब अपने पास ब्रैकेट ही ऊपर वाले के पास ही ओरिजिनल में, तो 3x ये एज इट इज, ये देखो इधर माइनस है तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस जब जाएगा तो इसको मिलेगा पहले प्लस माइनस, माइनस फिर इसके पास जाएगा तो प्लस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा। और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, 3, 4, 3 या कितने हो गए 12, डायरेक्ट 12 हो गए, एलसीएम ले लिया। जैसे अपन ने ऊपर लिया था वैसे अपन ने नीचे इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद अपन ने क्या किया, देखो इधर अपन ने ये एजिट इज, फिर वापस से वही मैथड अपनाया। ये देखिए ऊपर ये वाला मैथड, ये वाला मैथड अगेन अपन ने वो का वही अपना लिया। देखो 3, 3, 3 = 9 ये वाला बिल्कुल सेम मैथड, 5, 10 = 50 और 5x एक्स को इधर लेके गए, 6 को इधर लेके गए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब मेथड सेम है, बिल्कुल एक ही मेथड है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, एक ही मेथड है इसके अंदर, लेकिन बस तरीका होना चाहिए उस क्वेश्चन को वहाँ तक लेके जाओ और उसे सॉल्व कर दो। तो इसके ना कोई हार्ड चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल भी इजी है। ये देखिए बस लेंथी क्वेश्चन होते जाते हैं और कुछ नहीं होता, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये। तो देखिए 3x उधर, ये देखिए पूरा अपने पास आ गया। अब देखिए इधर एलसीएम लिया मैंने इन दोनों का, 3 × 2 = 6 वही वाला बिल्कुल पहले जैसे एलसीएम था वैसे लिया मैंने, 4 × 5 = 20 ये एलसीएम हो गया अपने पास। 2 की टेबल में 6 कितनी बार जाते हैं, 3 बार। 3 की टेबल में 6 कितनी बार जाते हैं, 2 बार, ये रहा 2 और बाकी एज इट इज। देखो फिर 24 की टेबल में 25 बार और 5 की टेबल में 24 बार हो गया एज इट इज। ओपन किया, इन सबको ओपन कर लिया, मतलब 3 को इससे 3x, 3 × 6 = 2x और 4 × 8 इधर 5x, 6 × 5 = 30 और 4x, 4 × 8 = 32 आ गया यहाँ तक। यहाँ तक आने के बाद अपन ने क्या किया, 9 × 3 = 2 5, 8 × 6 = 14, 5 × 4 = 9, 30 × 32 कितना हो गया 62। ये अपन ने क्रॉस वापस से वही मेथड अपनाया पहले वाला और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही ब्रैकेट ओपन किया, वही तरीका बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब ये पॉइंट वाले के अंदर अपन क्या करेंगे, देखो पॉइंट वाला बिल्कुल ईजी है, डेसिमल तो डेसिमल की तरह बिल्कुल उसको सॉल्व कर देंगे हम। देखो बिल्कुल 0, 3x है इसके अंदर, ये क्या है? देखो इसके अंदर 1x, 2x, 3x है, एक कांस्टेंट है। तो देखो अपन ने क्या किया, ये एज इट इज़, ये 0.25 प्लस का एज इट इज़ लगा दिया, वो थोड़ा इधर उधर कर दिया, लेकिन अगर एज इट इज़ लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। बस अपन को इस वाली टर्म को इधर लेके आना, किसी तरीके प्लस की है तो माइनस की टर्म हो गई, किसकी है प्लस की है तो माइनस की हो गई, 1.2 एज इट इज़। और ये हो गया अपने पास माइनस का, ये हो गया प्लस का, 25 प्लस का और प्लस का, 25 और 6 प्लस क्या है, तो 25 और 6 कितने होंगे टोटल, 25 और 6 कितने होंगे, इन दोनों का प्लस करके 45 से माइनस कर देंगे। तो 25 और 6 को प्लस करेंगे अपन, किस तरीके से करेंगे, डेसिमल वाले तरीके से करेंगे, बिल्कुल किस तरीके से, डेसिमल वाले तरीके से बिल्कुल करेंगे अपन। इसका कितना हो जाएगा 5 और इसके अंदर कितना जाएगा 6 + 6 = 7, 8, 85 पॉइंट में 0। क्या करेंगे 45 माइनस करेंगे 0.45, ये माइनस किया हमने कितना बचा 0, ये आ गया अपने पास आंसर, ये आ गया अपने पास। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर बता देना है। देखो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज आ गया 0.40,
1.2। फिर हमने क्या किया, दो के डेसिमल दो के, ये देखो डेसिमल, ये डेसिमल हमने हटा दिए। क्या किया हमने, डेसिमल हटा दिए, देखिए यहाँ पे डेसिमल हमने हटा दिए, ये था 1.2 था 0.40, ये हमने डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया तो ऊपर कितने आएंगे, दो जीरो आएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक और दो नंबर है, दो नंबर है, इसका हटाया तो कितने नंबर है, एक नंबर है, तो एक जीरो आ जाएगा नीचे, दो जीरो से दो जीरो चले गई है, ये 4 1 4 4 3 12, ये आ गया अपना 3 आंसर, आ गया अपना 3 आंसर। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल ईजी है, 2.5 0.5 आया, 13 + 7 ये आंसर। हो गया, ये देखिए बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, देखो बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है जैसा अपने पहले क्वेश्चनों में किया था। इधर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन का भी देखो मेथड, ये वाला किया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, वैसे इधर भी अपन ने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दी, कोई क्वेश्चन ही ऐसा था, ये आंसर हमारे पास। प्लस माइनस का खास तौर से ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये वाला बिल्कुल ईजी है, ये देखिए ये वाला बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सॉल्व हो गया, बिल्कुल ईजीली, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से सॉल्व कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसान से आसान तरीका मिल जाएगा इसका, इजीली ट्रिक मिल जाएगी आपको इजीली, लेकिन आप अपने हिसाब से पहले ये तो कीजिए कि आपको करना क्या है, मतलब आपका मकसद क्या है, आपका आंसर कैसे निकालना है, आपको फुल मेथड सीख लीजिए, उसके बाद अपना आप ट्रिक निकल के आ जाएगी आपके दिमाग में और आप इजीली उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट होगा।